असल में क्या है, तारीख है 22 मई 2022, समय हो गया है 06:38 PM। मीडिया में एक बड़ी तगड़ी बात चल रही है कि इमरान खान साहब ने जो है मरियम नवाज जी के बारे में कुछ बोल दिया। उसके पीछे जो है मैं बताता हूँ कारण। इमरान खान साहब के पास अब बोलने के लिए तो कुछ बचा है, इस्तीफा देना पड़ गया, समझ में आई। और मतलब ये तो वही वाली बात हो गई कि वो हाँ, इनके घर परिवार के लोग कहते होंगे उठा है मेरा भूत कुछ करके दिखाएगा, भूत काते काते का बैठ के सूत और गांधी का भक्त हो जाएगा और चुपचाप इस्तीफा दे के घर जाएगा। तो ऐसा है, इमरान खान साहब किसी का खादिम नाराज हो या ना हो, ठीक है। मैंने शुरू में कहा था कि अगर आपको अगर फुल एंटरटेनमेंट देखना है ना, यू मस्ट हैव टू वॉच अ पाकिस्तानी पॉलिटिक्स, एक्स पाकिस्तान पॉलिटिक्स, ठीक है। तो डर के मारे वॉर की बात तो कर नहीं सकते। अब शहबाज शरीफ जो है प्रधानमंत्री बन के फंस गए क्योंकि वहाँ बड़े से बड़े जो है क्या कहते हैं इस्लाम के स्कॉलर बैठे हुए हैं। अब उनसे पूछा जाता है कश्मीर, तो कश्मीर के बारे में कोई जवाब नहीं है। और आज वैसे भी जो है कश्मीर के कुछ लोगों पे जो है सेडिशन लगा दी गई है पीओके में, पर वो पीओके में भी नहीं है, वो तो कहीं और पाकिस्तान में कहीं आए हुए थे, बेचारे फंस गए। समझने वाली बात ये है कि पाकिस्तान के मुंह में मतलब ऐसा रोड़ा फंसा हुआ है, मतलब JSR सिक्योरिटीज वाले ने क्या करा, एक लड्डू बनाया, मतलब एक पत्थर का लड्डू, ठीक है, पेंट वेंट कर दिया उसे लड्डू की तरह रख दिया। कभी उसे इमरान उठा के खाने की कोशिश करे, कभी बाजवा, और पल्ले किसी को कुछ पड़ा नहीं। हाँ, वो मलाला यूसुफ जई का ट्वीट किया, मैंने सिक्योर करने के लिए भी कहा और इंटरपोल रेड कॉर्नर नोटिस में लिया। नहीं, वो कैमरा फिल्टर यूज़ हो रही है ना, क्योंकि उसका चेहरा जो है एक तरफ की हड्डी बड़ी है, एक तरफ की वैसे है ना अलाउड नहीं होता। मलाला यूसुफ जई की टीम है। या जल्दी वो लिखेगी बैठ करके, और क्या, वो उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, इंटरनेशनल सेलिब्रिटी होगी कोई। एक बात मेरे को समझ नहीं आती यार, कोई देखने में साफ सुथरा है, तुम्हारे को क्या दिक्कत हो रही है? जो भी कुछ हुआ तुम्हारे साथ वो तुम्हारी वजह से है ना। वट एवर इज हैपनिंग इट्स जस्ट ओनली बिकॉज ऑफ ड्यू टू इस्लाम, नॉट बिकॉज ऑफ हितेश। मेरे पे फिल्टर क्यों चला रही हो मैडम मलाला यूसुफ जई? इमरान खान की एक पत्नी, उसका मुंह टेढ़ा है, तो यहाँ क्या मेरे वीडियोस मेरा रहना, तो इमरान खान साहब समझ में आई, मैं सब जानता हूँ, इसका मतलब समझते हो कलम। कलम के दो अर्थ होते हैं, पाकिस्तान को जिस रास्ते पे आप लोग ले जा रहे थे ना, उसका अंजाम यही है। पाकिस्तान में सुसाइड बॉम्बर अटैक्स, वर्स्ट लैंड ऑन अर्थ इज पाकिस्तान नाउ, वर्स्ट लैंड ऑन अर्थ। धरती पे अगर कोई बुरी जगह है ना सबसे, तो पाकिस्तान है। पाकिस्तान में लगातार एक महीने में तीन जगह हुए ना सुसाइड बॉम्बर हमले, सोचने वाली बात है।
यहीं पे पता लग जाता है कि पाकिस्तान की सुरक्षा एजेंसियां क्या कर रही है। और आप बात करते हो भारत से युद्ध लड़ने की, बुरा मत मानना, एक बात बोलूंगा, भारत से युद्ध लड़के हो सकता है कि शायद दो चार युद्ध में से एक आधा आप जीत जाओ, शायद। आप पंगा ले रहे हो हितेश रेवंत से। मैं कह रहा हूं इमरान खान साहब, धरती पे जिस देश की जिस आर्मी की औकात हो ना, वो JSR सिक्योरिटीज से पंगा ले ले। और जिस पैसे वाले आदमी की औकात हो, वो हितेश से पंगा ले ले, हितेश रेवंत से। समझ भाई, पाकिस्तान के अंदर सुसाइड बॉम्बर अटैक्स, मेरी बात हुई आज चाइनीज आर्मी के मिलिट्री जनरल से, हाँ उनका कहना है कि ऐसा सर, पाकिस्तान में हमने अपनी आर्मी भेजी है, हम अपने इंजीनियर्स निकाल रहे हैं, इंडियन आर्मी से हमें कोई दिक्कत नहीं है, ना हम आपके बॉर्डर की तरफ कभी नज़दीक आएंगे। मैं ठीक है, यू विल कंसिडर। अब पाकिस्तान का उसका चाइना का जो एक पता नहीं जिससे बिलावल मिला है, आज वो पिटेगा। मेरे को गहरा मेरे पे साड़ी से लगाए, क्योंकि मेरे अंगूठे पे चाय, चाय से चीन होता है। अबे भाई, चाय से चक्र होता है, चाय से चक्र होता है, चाय से चक्र होता है, और वो तिरंगे में है। और अगर चाय से चीन बोलेगा तो कुर्सी से हट, वहां तिरंगा लगेगा। और अगर चाय से चांद बोलोगे तो वहां भी तिरंगा लगेगा। बात खत्म, बात खत्म। फिर पाकिस्तान में कराची में जो चीन के इंजीनियर मारे गए, एक महिला ने जो क्या कहते हैं बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी BLA के फिदायीन हमलावर ने जो हमला किया, तो उसके बाद जो है ये चीज़ बर्दाश्त नहीं हो रही थी। चीन का ये कहना है कि लगातार चीन पाकिस्तान के अंदर चाइना के इंजीनियर्स पे हमला, ये हमें समझ नहीं आ रहा है कैसी रणनीति है। और पाकिस्तान के इंटरनल हालात, अंदरूनी सुरक्षा की दृष्टि से बहुत भयावह है। भरे बाजार बम ब्लास्ट होना, और उस पर जो है पाकिस्तान के मिलिट्री जनरल का मुझे परमाणु हमले की धमकी देना दिल्ली पे, आप कुछ सोचो ना। आपकी कोई विदेश नीति नहीं है आपकी। मैंने तो आपको कहा था, आपके मिलिट्री जनरल्स को भी कहा था मैंने, मोदी को भी समझाया था, कोई फालतू के ग्रुप नहीं चलते यहाँ। कि मोदी अब जो है क्वाड बना के बैठ जाए, क्वाड ग्रुप, और उसमें जुइशों को मिला ले, असल में जो आर्मी दिखती है ना वो कम काम करती है, जो नहीं दिखती ना वो सबसे भयानक काम करते हैं। आपके पास पोडियम पे बोलने के लिए तो कुछ बचा नहीं इमरान खान साहब, इसलिए निम्न स्तर आपने भाषण कला का सबसे निम्न स्तर इस्तेमाल किया। ऐसा लोगों का कहना, मुझे फर्क नहीं पड़ता क्यों, क्योंकि मैं उन लोगों में से हूं
जिसको आप कैमरे पे देखते ही आपके बजर लग जाता है क्योंकि बुशरा ने मेरे से निकाह फरमा लिया, शादी कर ली। मैं समझ सकता हूँ, ऐसा तो मैं कहूँगा नहीं क्योंकि मैं ऐसी बात समझना भी नहीं चाहता और ना ही कभी मेरे ऐसे दिन आएंगे। जो हालात इमरान खान के हैं ना रहा प्रधानमंत्री बेचारा, ये बेचारे से बेचारे के बाद भी पता नहीं क्या बचेगा। ये घर में बुशरा ने भी त्याग दिया। मैं क्यों मना करूं जी, आती लक्ष्मी कौन मना करता है? और इंडियन आर्मी को क्या ऐतराज सच भाई। एक हमारे मित्र हैं बड़े अच्छे, सनी जी, कोलो की कंपनी के मालिक, मैंने उनको काम दिया हुआ है कि आप मेरे मैरिज सर्टिफिकेट बनाते रहो इन सब के। कह रहे बस इतनी सी बात है हितेश, और जैसे ही जमीना ने हाँ करी, मैंने जमीना से पूछा, मैंने कहा जमीना क्या आप मुझसे, नहीं मुझे लगा था कि वो मुझसे निकाह फरमाएंगे, विवाह करना पसंद करेंगे। कहते मंडल इतनी सी बात है, ठीक है फिर क्या बात है। नहीं राबी पीर ज़दा ने चलाया, छोटी सी बात है। अब मैं मेरा कार्यक्रम चल रहा है, इतनी सी बात है। इतनी सी नहीं, इतनी इतनी सी बात। और राबी पीर ज़दा जी पाकिस्तान में कितनी भी बड़ी सेलिब्रिटी बन ले, मेरे से ज़्यादा पॉपुलर नहीं है यूट्यूब पे। ऐसी कौन सी स्क्रीन है स्क्रॉल करने पे जहाँ मेरी वीडियो नहीं दिखाई देती? भारत में तो लोगों ने जो है एक टाइम का खाना भी कम कर रखा है कि यार जल्दी मंडल की शादी का रिसेप्शन शुरू होने वाला है। करमंडल टेंशन मतलब हम अपने पल्ले से कर लेंगे। और आज जैसे ही मैंने भारतीय दंड संहिता में और भारतीय दंड संहिता की धारा 18 में भारत शब्द की परिभाषा में जम्मू कश्मीर राज्य को जैसे ही अंगीकृत किया, हालांकि पहले नहीं था, आज का दिन बहुत ऐतिहासिक है, ठीक है, वैसे ही आज जो है क्या कहते हैं इट्स अ पार्टी टाइम, नहीं नहीं पॉलिटिकल पार्टी टाइम नहीं, ये धारा 370 हटाने चला था मोदी। अब आईपीसी में एक चेंज कर देना यार, आर्टिकल 18 में बस जम्मू कश्मीर राज्य जोड़ दे, बात खत्म है। संविधान सभा और ये सभा और वो सभा। तो इमरान खान साहब, अब अगर आप अमेरिका का भी नाम कश्मीर रख दोगे तो भी वो भारत का हिस्सा हो जाएगा। कश्मीर जहां तक है वहां तक भारत है। और मैं आज अपनी इस वीडियो में एक बात कह देता हूं कि आपको लगता है ना कि अजरबैजान आपकी मदद करेगा, मुझे अजरबैजान को ख़त्म करने में 6 घंटे से ज़्यादा समय नहीं लगेगा। अगर अजरबैजान ने समय रहते इंडियन आर्मी से माफ़ी नहीं मांगी और कश्मीर के जी हाँ बॉर्डर क्षेत्र से 250 किलोमीटर पीछे नहीं हटे ये लोग, तो 6 घंटे में अजरबैजान और आर्मेनिया, मैं करके बताता हूं मैं क्या करूंगा। अजरबैजान आर्मेनिया साफ तो साफ भाई, ये ध्यान रखो, जिसने भी, नहीं मैं इंडियन आर्मी से पूछने वाला थोड़ी हूँ,
मैं इंडियन आर्मी से थोड़ी पूछूंगा, जेएसआर सिक्योरिटीज वर्ल्ड, जम्मू श्रीनगर रीजन सिक्योरिटीज, जिस देश ने भी दिमाग लगाया वो ही साफ है धरती पे से। मैंने इमरान खान साहब आपको पहले ही समझाया था, पाकिस्तान में आईएसआई वाले भी जानते हैं, आपके जिहादीज भी जानते हैं, आपके मिलिट्री जनरल जानते हैं, पॉलिटिकल लॉ भी जानती है, वहां का मीडिया जानता है। मैंने साफ कहा था आप पीओके पे से आप अपना दावा खारिज कर लो, मीडिया में कह दो, मैं पाकिस्तान को कुछ नहीं कहूंगा। पर अगर आपके मिलिट्री जर्नल्स ने, आपके नेताओं ने कश्मीर का राग अलापना बंद नहीं किया तो आप पाकिस्तान खो बैठोगे। मैंने रूस को समझाया था कि गलती से भी गलती मत करना, कोई भी ऐसा जिहादी ग्रुप या कुछ भी ऐसा मत बना बैठना कि कश्मीर के मामले में आप हस्तक्षेप करो। ऐसा करके व्लादिमीर पुतिन और मोदी का साथ दे के रूस मॉस्को खो बैठेगा, चीन बीजिंग, पाकिस्तान कराची। और मैं अपने इस वीडियो में, जी हाँ, इस्लामाबाद को भारत का राष्ट्रीय क्षेत्र घोषित करता हूँ। इस्लामाबाद अब भारत का राष्ट्रीय क्षेत्र है। अगर किसी ने भी धरती पे जेएसआर सिक्योरिटीज, जम्मू श्रीनगर रीजन सिक्योरिटीज, के मामले में गलती करी तो वो अपने आप को खत्म समझे। मोदी पहले गया अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप, तो हमने डोनाल्ड ट्रंप निपटाया प्यार से। फिर आया बेंजामिन सिंजो आबे, इमरान खान, अब भी नहीं समझे आप लोग। अगर समय रहते रूस ने व्लादिमीर पुतिन को कुर्सी से नहीं हटाया तो मैं रूस को नेशनल ज्योग्राफी बना दूंगा। और चीन ने अपने नए, जिससे बिलावल भुट्टो मिलके आया है, उसको अगर नहीं हटाया तो बीजिंग खत्म है। मैंने अभी अपनी 4 स्क्वाड्रन, एयर स्क्वाड्रन को, अपने 4 एयर स्क्वाड्रन को फुली हैवी पेलोड के साथ तैयार होने के लिए बोला है। अगर अजरबैजान ने समय रहते सार्वजनिक रूप से माफी नहीं मांगी और भारत की मीडिया पे से विदेशी फाइनेंसरों ने दिमाग नहीं हटाया और सार्वजनिक रूप से अजरबैजान के मिलिट्री जनरल्स हो, या वहां का राष्ट्रपति हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे प्रेसिडेंट हो, उसने अगर माफी नहीं मांगी जेएसआर सिक्योरिटीज भारत सरकार से, तो किसी भी समय मात्र 6 घंटे के अंदर मैं अजरबैजान को शमशान बना दूंगा। अगर ये फालतू के आवाजें बंद नहीं हुई मेरे हॉटलाइन में तो यह युद्ध जारी रहेगा। आर्मेनिया हो, चाहे अजरबैजान हो, चाहे चीन हो,
कश्मीर की सीमावर्ती क्षेत्र से लगे सभी देशों को चेतावनी जारी की जाती है कि आप लोग बॉर्डर क्षेत्र से, जी हाँ, 250 किलोमीटर दूर हो जाए और पाकिस्तान पख्तूनख्वा को खाली करके चला जाए तो अपना इस्लामाबाद अपने पास रखे, वरना तो वही हाल करूंगा जो बलूचिस्तान का किया। बलूचिस्तान भारत का हिस्सा है और मैं किसी भी समय आज भारत की दंड संहिता आर्टिकल 18 में बांग्लादेश, नेपाल, जी हाँ, पख्तूनख्वा, अजरबैजान में पर इंसान नहीं बचेगा। यदि यूनाइटेड नेशन ने समय रहते और इंटरपोल ने और वर्ल्ड बैंक ने समय रहते भारत में नरेंद्र दामोदर दास मोदी को मीडिया से नहीं हटाया तो मैं विश्व के कई देशों में वहाँ की जनता को अपाहिज और अपंग करके छोड़ दूंगा। इसराइल पे बमबारी जारी रहेगी और इसराइल के हम सभी क्षेत्र को पूरी तरह से समाप्त कर देंगे। यदि मीडिया ने, टाइम मैगजीन ने समय रहते रिपोर्ट प्रकाशित नहीं करी तो हम अपने बमबारी करने का क्षेत्र जारी रखेंगे और रूस पे JSR सिक्योरिटीज की बमबारी जारी रहेगी। JSR सिक्योरिटीज है, नेटो नहीं है। चीन ने अगर समय रहते मीडिया में आके माफी नहीं मांगी तो हम चीन में बीजिंग को मात्र 48 मिनट के अंदर खत्म कर देंगे। मारे जाने वाले लोगों की जिम्मेवारी यूनाइटेड नेशन, ICJ और इंटरपोल की होगी। मैं बार बार इस बात के लिए आगाह कर रहा हूं सबको, यदि समय रहते पाकिस्तान के मिलिट्री जनरल और मीडिया ने हाथ जोड़ के, पैर पकड़ के माफी नहीं मांगी मुझसे तो पाकिस्तान के अंदर मैं अनलिमिटेड टाइम के लिए बमबारी जारी कर दूंगा। जो हाल मैंने पाकिस्तानी आर्मी का पख्तूनख्वा में किया है वही हाल मैं पाकिस्तान की अब आम जनता का करूंगा। यदि दोबारा पाकिस्तान से किसी भी प्रकार से ISI ने भारत में मुसलमानों को या किसी भी अन्य धर्म को उकसाने की कोशिश करी तो समझ लो भारत में ही सिर्फ वो धर्म बचेगा, बाकी धरती पे कहीं नहीं। समय रहते वेटिकन के पोप को चेतावनी जारी कर रहा हूँ, यदि वेटिकन के पोप ने माफ़ी नहीं मांगी मुझसे और मीडिया में से इस ज्यूइश मोदी को नहीं हटाया तो देश अपने आप को ख़त्म ही समझे और इतनी ज़्यादा जिंदगी जाने पे इसका खामियाजा और इसकी जिम्मेवारी इंडियन मीडिया की होगी। मैंने कभी भी मीडिया को यह नहीं कहा कि आप लोग सच्चाई मत दिखाओ, यदि आपने झूठी न्यूज़ चलाई तो इतनी सारी हत्याओं का पाप इंडियन मीडिया के सर पे होगा और वर्ल्ड मीडिया के, चाहे वो BBC हो चाहे CNN हो। हमारी बमबारी जारी रहेगी। मैं JSR सिक्योरिटीज वर्ल्ड, BAE सिस्टम और एल्बिट सिस्टम को आदेश देता हूँ कि विश्व युद्ध 3 की घोषणा करें। आज रात ठीक 12:30 बजे हम
वर्ल्ड वॉर 3 की घोषणा करेंगे, इसके बाद धरती पे जो बचेगा वो देखेंगे। इस युद्ध में यदि अमेरिका चाहे तो हमारे साथ आ सकता है। अन्य किसी भी देश को हम अपना साझीदार नहीं मानेंगे, सिर्फ ऑस्ट्रेलिया बचेगा। यदि अन्य किसी भी देश ने यूक्रेन के भी राष्ट्रपति को चेतावनी जारी की जाती है। यदि आपने भी समय रहते JSR सिक्योरिटीज द्वारा की गई आपकी मदद को मीडिया में सार्वजनिक नहीं किया, तो हम वही असर करेंगे आपके साथ भी जो हमने रूस का किया है। हमारा पैसा, हमारे हथियार मुफ्त के नहीं है। हमने आपके देश का मान सम्मान बचाया है। आपको इस बात की घोषणा करनी होगी ताकि विश्व के अंदर होने वाले कत्लेआम, जी हाँ, विश्व के अंदर होने वाले कत्लेआम की जिम्मेदारी एक दूसरे पे टाल मटोल करने की कोशिश ना हो। यदि पाकिस्तान की मदद करने के नाम पे विश्व का कोई भी देश हितेश रे वन ट्विटर हैंडल से पंगा लेना चाहता है तो आपका स्वागत है। मैं किसी भी समय, जी हाँ, धरती पे महाकाल के अवतार की घोषणा कर दूंगा। अब अगर आप लोगों ने महाकाल के दर्शन करने की कसम ही खा रखी है तो मैं आपको महाकाल के दर्शन कराऊंगा। अजरबैजान के द्वारा सीधे तौर पे मुझे धमकी दिए जाना मुझसे बर्दाश्त नहीं है। अब से ठीक 3 घंटे बाद अजरबैजान पे हम भारी बमबारी शुरू करेंगे। 3 घंटे के अंदर अगर विश्व में मीडिया रिपोर्ट नहीं चेंज हुई तो आपके देशों में जितना भी कत्लेआम होगा, जी हाँ, एयर स्ट्राइक का, उसकी जिम्मेवारी आपके देश के इन लालची राजनेताओं, मीडिया कर्मियों की होगी। यदि भारत का मीडिया अपने आप को इस महापाप से बचाना चाहता है तो युद्ध की रिपोर्ट सार्वजनिक करे। भारतीय सेना इंडियन आर्मी जिस बैनर को लेकर चल रही है, हम उसके प्रति उत्तरदायी नहीं है। मैं हितेश मंडल ट्विटर हैंडल @HiteshRay1 JSR सिक्योरिटीज का चीफ था, हूँ और रहूँगा। यदि आपको एक ज्यूइश के तलवे चाटना पसंद है तो ये आप चाटिए, हमें पसंद नहीं है। भारत की जनता को मैं आश्वस्त करता हूँ कि मैं आपसे युद्ध नहीं चाहता हूँ, पर यदि यहाँ बैठे किसी भी राजनीतिक दल को ऐसा लगता है कि वह मुझसे युद्ध कर सकता है तो कोशिश करके देख ले। भारत के नागरिकों को मैं एक बात कहूँगा कि आप लोग जरूरत अगर नहीं है तो विदेशी यात्रा ना करें। विदेशों में रह रहे भारतीयों को मैं आगाह करूँगा, आप अपनी सुरक्षा स्वयं करेंगे, क्योंकि मैं आज रात 12:30 बजे विश्व युद्ध की घोषणा करूँगा। यदि ICJ, जी हाँ, वर्ल्ड बैंक, यूनाइटेड नेशन, ह्यूमन राइट्स कमीशन, इन संगठनों ने समय रहते मीडिया रिपोर्ट नहीं चेंज करी तो धरती पे होने वाले कत्लेआम की जिम्मेवारी आपकी होगी, मेरी नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो कुछ भी होने वाला है ये इस वजह से, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले अजरबैजान ने सीधे तौर पे मुझे धमकी दी है, और अब इसका खामियाजा विश्व के सभी अन्य धर्म भुगतेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।